ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم والعلم والحلم وبارك وسلم وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله लायक इज़्ज़त-ए-एहतराम बिरादरान इस्लाम, मेरे बुजुर्गों दोस्तों भाई और अजीज नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम के जिसकी तौफीक ख़ास से आज हम अपने मोहतरम भाई जनाब मुजीब खान साहब के घर में एक ऐसी महफिल में हाजिर हैं कि जिस महफिल में उन्वान ही ईमान रखा गया है। ईमान क्या है, इसको इंशाअल्लाह अज़ीज हम शरोबस्त के साथ जरा तफसील के साथ बड़ी गहराई में जा करके मालूम करेंगे कि ईमान क्या है। इस मौजू को सामने रखते हुए कुरान मजीद फुरकान हमीद के ये 13वें पारे में सूरह इब्राहिम है, नाम ही सूरह इब्राहिम है, उसकी आयत नंबर जो है वो हमने 24 और 25 इसको हमने तिलावत किया है। और बात अल्लाह करीम बड़ी प्यारी मिसाल दे के समझा रहा है, और मिसाल इसलिए दी जाती है कि सुनने वाला उसको अच्छी तरह से समझ जाए, मिसाल से बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है जब मिसाल दी जाती है। तो अल्लाह करीम भी मिसालें दे दे के समझाता है बातें। मकसद है तुम्हारा भला हो जाए, मकसद है बात तुम्हारे दिल में उतर जाए, तो वो मिसाल से फिर बात करने से बात बड़ी दिल के अंदर गहराई तक चली जाती है। अब अल्लाह करीम यहां बात ये इरशाद फरमाता है, अलम तरा कैफ दरब अल्लाह मसलन कलिमतन तोयबतन कशजरतन तोयबतन असलुहा साबितुन व फरउहा फिस समा, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह करीम ने कितनी प्यारी मिसाल दे के ये बात की है। अलम तारा, क्या आपने नहीं देखा कई फदरब अल्लाह मसलन कि किस तरह की अजीब और बड़ी प्यारी मिसाल अल्लाह करीम ने दी है, किस चीज की, अच्छे कलमे की, अच्छी बात की, खूबसूरत बात की, पाकीज़ा बोल की।
जो पाकीज़ा बोल है, अच्छा बोल बोला जाए, उसकी मिसाल अल्लाह करीम बयान फरमा रहा। बुरी बात की भी आगे मिसाल की कि वो बोल कैसा है जो बुरा जुबान से निकलता है, और अच्छा बोल जुबान से निकलता तो उसकी मिसाल कैसी है। क्या नहीं देखा आपने कि अल्लाह करीम ने अच्छे बोल की, अच्छी बात की कितनी प्यारी मिसाल दी है। वो ऐसे है, कलिमतन तोयबतन, पाकीज़ा बात, सुथरी बात, का शजरतन तोयबतन, जैसे बड़ा कोई पाकीज़ा दरख्त हो। वो जो आपने अच्छी बात की है, पाकीज़ा बात की है, अच्छा बोल बोला है, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई पाकीज़ा दरख्त हो। वो पाकीज़ा दरख्त ऐसा कि असलुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा, जिसकी जड़ जमीन के नीचे तक चली गई हो, बड़ी दूर तक उसकी जड़ चली गई हो, और उसकी शाखें आसमानों से बात करने लग गई। ये अच्छा बोल इतनी बड़ी शय है, इतनी अजीम चीज है कि अच्छा बोल वो ऐसे जैसे उसकी जड़ जो है वो जमीन की गहराई गहराई तक चली गई हो। तो जितना ही जड़ गहराई में जाती है उतना दरख्त मजबूत होता है, जितना नीचे जमीन में दरख्त की जड़ जाएगी उतना वो दरख्त मजबूत होगा, फिर उसकी शाखें आसमानों तक चली जाती हैं, इतनी ऊंची है जैसे आसमानों से बातें कर रही। फिर अगली बात यह है कि तोती उकुलहा कुल हीन बिइज़्न रब्बिहा, और वो दरख्त खाली दरख्त ही नहीं, वो दरख्त सायादार भी है, फलदार भी है, फूलदार भी है। वो साल में एक बार दो बार नहीं फलता फूलता, कभी खिजां आ गई पत्ते गिर गए सर्दियों में, कभी बहार आ गई, तो इस तरह नहीं, वो रहता ही सदा बहार है। सुभान अल्लाह, सुभान, सदा बहार पे वो दरख्त रहता है, हर वक्त फल देता रहता है, हर वक्त खुशबू देता रहता है, हर वक्त साया देता रहता है, सारी खूबियां उस दरख्त में होती है। क्या वो अल्लामा इकबाल ने भी लिखा है ना कि ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजां ला इलाहा इल्लल्लाह, चाहे बहार का मौसम हो, हर्षते हो या लहनते हो, बकराई ये डच जुबान में कहते लहनते और हर्षते, हर्षते जो पत्ते गिरते हैं, हाँ तो लहनते कहते हैं बहार या पत्ते आते हैं। तो ये जो भी मौसम हो, हर मौसम में माशाल्लाह, हर मौसम में वो बहार पे रहता है, हर वक्त फल देता रहता है, हर वक्त साया और फूल उसका कायम दायम रहता है। आगे इरशाद फरमाया, और ये अल्लाह के अमर से, अल्लाह के अमर से वो हर दम सदा बहार रहता है। وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, अब फिर दोबारा उस बात को दोहराया भी इब्तिदा में कि अल्लाह करीम ये लोगों को मिसालें दे दे के समझाता है, अल्लाह तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ जाए, तुम्हें समझ आ जाए, तुम्हारा सोया हुआ जो शऊर है ये बेदार हो जाए, तुम्हारे अंदर दिल जो सोए हुए हैं, अंदर का इंसान जो सोया हुआ है, अंदर का सोया हुआ इंसान तेरा बेदार हो जाए। तो अंदर का सोया हुआ इंसान बेदार किस तरह होता है, उसके लिए भी आगे मैं मिसाल देता हूं। वयदरिबुल्लाहु अल-अमसाल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अब ये सूफिया का भी इल्म एक है, खाली सूफी इज्म जो है उसको ऐसे ही बाज लोग जो हैं वो कहते हैं सूफी इज्म छोड़ो जी, ये तो सर वो क्या करते हैं जी, वो हदरा करने लग जाते हैं तो बस सर सुर मारने लग जाते हैं, जिक्र करने लग जाते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
कसरु जिक्र अल्लाह, अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो, क्योंकि कुरान मजीद में जहां भी जिक्र की बात हुई है, थोड़ा जिक्र करना मुनाफिक की अलामत है, ज्यादा जिक्र करना ईमान वाले की अलामत है। कुरान मजीद में हर जगह जहां भी जिक्र की बात है, कसरत से करने की बात है। हदीस पाक में हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हत्ता यकूलून मजनून, इतना कसरत से जिक्र करो कि देखने वाले लोग कहें भी ये तो यार ये कोई पागल आदमी। हजरत अबू मुस्लिम खोलानी रहमतुल्लाह अलैह, वो जिक्र इसी मस्ती में कर रहे थे, तो कोई एक आदमी जो इस चीज को नहीं जानता था, उसने कहीं देखा, तो वो दोस्त बैठे हुए थे दूसरे कमरे में, कहीं हूं जाके वो उनके पास बैठ गया, कहने लगे यार इस आदमी को क्या है, ये दीवाना है, ये पागल है आदमी, मजनून है। आपने ये बात सुन ली, आप उतनी देर में जिक्र से फारिग हो के आप भी जा बैठे। आपने फरमाया मजनून नहीं हूं, मजनून का ये दवा है, ये जिक्र करना, ये पागल नहीं हूं मैं, बल्कि पागलपन का इलाज कर रहा हूं, ये पागलों का इलाज है। अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत से दीवानावार करना, ये पागलपन का इलाज है। इस पे की हदीस बयान करके हम आगे चलते हैं कि हजूर सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, अब इस हदीस पाक को इमाम नसाई ने सुनन कुबरा में लिया है, इमाम अबू याला ने मुसनद में दर्ज किया है, इमाम इब्ने हिब्बान ने सही में इसे दर्ज किया है, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में इस हदीस को लिया है, इमाम दैलमी ने मुसनदुल फिरदौस में इस हदीस पाक को लिया। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला ने हदीस पाक के रावी, अनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रवायत कर रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, قال موسى علیہ السلام یا رب, मूसा अलैहि सलाम अपने रब्बे करीम की बारगाह में अर्ज करने लगे कि ऐ मेरे पालने वाले, मेरे परवरदिगार, अल्लिमनी शैअन अज़्कुरुका बिही व अदउका बिही, ए मेरे मौला करीम मुझे कोई ऐसी खास चीज का इल्म अता कर कि उससे मैं तुझे याद किया करूं और तेरी बारगाह में दुआ किया करूं, ऐसा कोई खास कलमा मुझे अता कर। قال اللہ کریم نے فرمایا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ, اے میرے موسیٰ لا الہ الا اللہ کو پڑھا کر۔ قال یا رب کل عبادک یقول ھذا, مولا کریم یہ تو ہر آدمی پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ, یہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے۔ میں عرض کرنا کر رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے, अल्लाह करीम ने फिर फरमाया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, दोबारा फिर अल्लाह करीम फरमाया पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्होंने ला इलाहा इल्ला अंता ये पढ़ा, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ये पढ़ा और फिर अर्ज कर दिए मेरे रब, या रब इन्नमा उरीदु शैयन तखुस्सुनी बिही, मौला करीम मैं चाहता हूं कि वो खास वजीफा जो सिर्फ मेरे लिए हो और किसी को ना दे, वो खास वजीफा मुझे अता कर। मुरीदों का ऐसा लालच होता है ना, वह खास वो मुझे ही मालूम हो और किसी को ना हो, मेरे लिए खास वजीफा। قال अल्लाह करीम ने फरमाया या मूसा हाय कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ मेरे मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया कर, क्यों, लौकान समावाती सब आमिरहुन्न गैरी, अगर सातों आसमान और जितनी मखलूक आसमानों में है वो सारी मखलूक
जैसे लोह कलम है, जन्नत दोजख है, सिदरतुल मुंतहा है, फरिश्ते हैं, चांद हैं, सितारे हैं, कितनी मखलूक अल्लाह की है जो आसमानों में है, सातों आसमानों की सारी मखलूक को ले लिया जाए। वल अर्दीन सबअा फी कफ किफ्फतिन, और सातों जमीन में जितनी मखलूक है, तो सिवा अल्लाह के कौन बच गया, यानी सिवा मेरे जमीन व आसमान बमै उनके सारी मखलूक एक पलड़े में रख दी जाए और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए, तो क्या मजाल है किसी शय की मेरे नाम के साथ कोई बराबरी करे। ये इतना बड़ा वजीफा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हम आ जाते हैं इस बात पे कि ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इसकी रूह क्या है। बड़ी प्यारी मिसाल वो दी है जनाब मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम ने। उन्होंने मिसाल दी है कि ईमान, ईमान एक दरख्त है, उस दरख्त की जो जड़ है वो यकीन है, और यकीन की जो जड़ है उसको पानी मोहब्बत रसूल का मिलता है। मोहब्बत का पानी मिलेगा तो जड़ में पानी आएगा, उसकी तरी फिर सारे दरख्त हरा भरा करती है और हरा भरा रखती है। सुभान अल्लाह। और उसकी जो जड़ में पानी है, वो जो मोहब्बत का पानी आपने दिया है, और जड़ है यकीन और दरख्त का नाम है ईमान। फिर सुने, दरख्त है ईमान, उसकी जड़ है यकीन, और यकीन को पानी है मोहब्बत का, और उसकी जो ऊपर शाखें होंगी फिर वो है आमाल, वो सारे आमाल हैं। तो बात मोहब्बत से चली, आमाल उसका नतीजा जा बना। तो मोहब्बत, यकीन, ईमान और आमाल, इससे पूरा कंप्लीट एक दरख्त जो है वो बहार देने के लिए जाके बनता है। अब इस पे सुने अल्लाह तबारक व ताला, पहले हम आया मुबारक लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसी मौजू पे इंशाअल्लाह अज़ीज मोहब्बत रसूल जो ईमान की असल है, मोहब्बत रसूल का पानी ही यकीन को पुख्ता करता है, यकीन ईमान को, और ईमान से फिर ऊपर आमाल फल फूल सारे आमाल मजबूत होते हैं। ये रूट है इसका। तो असल क्या बना, मोहब्बत। अब आ जाए इस पे, अल्लाह करीम क्या इरशाद फरमाता है। ये सूरह तौबा है और उसकी आयत नंबर 24 है, दसवां पारा। अल्लाह करीम फरमाते हैं, कुल, प्यारे आप फरमा दे। मौला करीम तू खुद भी तो फरमा सकता, तेरा ही कलाम है। हाय हाय, अल्लाह करीम फरमाता है, आला हजरत ने क्या खूब इस पे लिखा, कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी। कुल कह के अपनी बात भी मुंह से तेरे सुनी, कितनी है गुफ्तगू तेरी अल्लाह को पसंद, कितनी है गुफ्तगू तेरी अल्लाह को पसंद। कुल, प्यारे फरमा दे, इन कान आबा उकुम, अगर तुम्हारे बाप दादा, व अब ना उकुम, और तुम्हारी औलाद बेटे बेटियां, वह इखवानुकुम, और तुम्हारे भाई बहन, वह अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियां, वह अशीरतुकुम, और तुम्हारे सारे रिश्तेदार, वह अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा, और जो तुमने बड़ी मेहनत से माल कमाए हैं वो भी, वह तिजारतुन तख्शौन कसादहा, और तुम्हारी वो तिजारत जिसमें घाटे का तुम्हें खतरा लाहिक रहता है, यार कहीं घाटा ना पड़ जाए, कहीं हमारा कैपिटल जो है ना वो ही ना जाता रहे, हर वक्त आप वो जो इस कश्मकश में रहते हैं, है फरेब सूदो ज़ियां ला इलाहा इल्लल्लाह में भी अल्लामा इकबाल ने कहा, ये माल और दौलत,
ये माल और दौलत और दुनिया, ये रिश्ता है पैबंद, बुतान वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं व मसाकिन तरदौनहा, और तुम्हारी बिल्डिंगे, तुम्हारे महल्लात, ये गरीबों के महल्ले से। अभी हम एक महफल से आए हैं, मुझे बताया गया जी कि ये मेरा गरीब खानदान है, तो मैंने निकलते कहा, मैंने कहा ये सारा मोहल्ला ही गरीब खाने हैं, क्या है महल्लात खाने हैं गरीबों के, पूरा मोहल्ला ही देखे ना। उस मोहल्ले में आप जाएं, मैं तो उसे कहते हैदराबादी मोहल्ला ही है, उस मोहल्ले के अंदर ये गरीब हैं, इनके महल्लात जाके देखें, कहते जी हम तो गरीब लोग हैं, गरीब खाने जी, मेरा गरीब खाना है। मैं देखे यही आपका अमीर खाना है, आपके गरीबों के महल्लात हैं ये। ये जो महल्लात हैं जो हमें बड़े पसंद, बड़े अच्छे लगते हैं, अल्लाह करीम फरमाते हैं तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारी औलादें, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे रिश्तेदार, और तुम्हारा वो माल जो मेहनत से कमाते हो, और तिजारत जिसमें घाटे का तुम्हें खटका लगा रहता है, और फिर वो तुम्हारे महल्लात जो तुम्हें बड़े पसंद आते हैं, अपने घराने घर। अहब्ब इलैकुम मिन अल्लाह व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यातिय अल्लाह बिअम्रे। अगर इनकी मोहब्बत रब और रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ गई, इनकी मोहब्बत से मना नहीं किया गया, बड़ी खास समझने वाली बात है। माँ बाप की मोहब्बत करने का हुक्म है, भाई बहनों से मोहब्बत करो, बीवी बच्चों से मोहब्बत करो, रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, अपनी माल तिजारत को संभाल के रखो, पैसा कमाओ, अल्लाह की राह पे खर्च करो, इन सारी चीजों से इंसान को फितरती मोहब्बत होती है, फितरी तौर पे आदमी इन चीजों से मोहब्बत करता है। इनकी मोहब्बत से मना नहीं किया गया, बताया ये जा रहा है कि एक पलड़े में ये सारी मोहब्बतें रख दी जाएं, और एक पलड़े में अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत। अहब्ब इलैकुम मिन अल्लाह व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, और उसकी राह में कोशिश करना, जिहाद करना, माल का वक्त आए माल खर्च करना, जान का वक्त आए जान खर्च करना, ये एक पलड़े में हो। और अगर तुम्हारी ये सारी मोहब्बतें जब तक जेर ना हो जाएं, रब रसूल की और दीन की मोहब्बत गालिब ना हो जाए, उस वक्त तक तुम मोमिन ही नहीं हो सकते हो। लिहाजा तुम क्या करो कि इस अल्लाह और इसके रसूल और जिहाद, अल्लाह की राह में कोशिश, इस मोहब्बत को इन सारी मोहब्बतों पर गालिब कर दो। अगर तुमने गालिब न किया तो फिर अल्लाह ताला के अजाब का इंतजार करो। अगर अल्लाह रसूल और जिहाद की मोहब्बत इन सारी मोहब्बतों पर गालिब न आई तो फतरब्बसू, फिर इंतजार करो, हत्ता यअती अल्लाह बिअम्रे, फिर कोई ना कोई अल्लाह का अमर पहुंचने को है, कोई ना कोई अल्लाह का अमर पहुंचने को है, और तुम मगलूब कर दिए जाओगे, तुम्हारी जो धाक एक बैठी हुई हो धाक खत्म कर दी जाएगी, तुम्हारा रोब और दबदबा और तम तराक जो गैरों पे बैठा हुआ था खत्म कर दिया जाएगा, जिसकी सजा आज पा रहे हैं हम। या वो वक्त था कि एक महीने की मुसाफत पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो दुश्मन को एक महीने की मुसाफत पर वो मरूब हो जाता, रोब उनपे पड़ जाता, हालांकि आपसे ज्यादा करीम कोई ना था, आपने तो लोगों को तरीके सिखाए हैं, खबरदार किसी के ऊपर जंग नहीं मुसल्लत करना है, दहशतगर्दी नहीं करनी है, औरतों को कत्ल नहीं करना है, बच्चों को नहीं करना है, फसल तबाह नहीं करने हैं, घर मिसमार नहीं करने हैं, हत्ता के काफरों का कोई अगर माबद खाना है, ईसाइयों का अगर कोई चर्च है, आप उसको भी मिसमार नहीं कर सकते। असूल हमें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं। हाँ, दिफाई जंग तुम्हें लड़नी पड़े, दिफाई जंग, उधर से काफिर चढ़ दौड़े हैं आपके खिलाफ प्लान बना रहे हैं, तो फिर आपको हुक्म है अपना दिफा करो,
फिर सर नहीं झुकाना है, फिर दलेर बन के मैदान में उतरना, फिर सब कुछ कुर्बान करना। हाय हाय, 13 साल मक्की दौर में क्या दुख नहीं सहे हैं मुसलमानों ने, 13 साल मक्की दौर में कितने दुख सहे हैं, हत्ता कि उसमें शहादतें भी हुई हैं। हजरत अम्मार बिन यासिर का घराना, उसमें उनकी वालदा हजरत माई सुमैया सबसे पहली शहीदा इस्लाम में मर्द नहीं औरत हुई है, ये शर्फ औरत को नसीब हुआ। बड़े जुल्म के साथ उन्होंने शहीद किया हजरत माई सुमैया पाक को। फिर मदीने पाक आप हिजरत फरमा के, फिर घरों से निकाल दिया, जायदादों से निकाल दिया, अपनों से निकाल दिया, बाइकाट सोशल बाइकाट कर दिए गए। 3 साल शेब अभी तालिम में रहे, इतनी बड़ी तकलीफें और मुसीबतें सह सह के सहाबा किराम अर्ज भी करते, या रसूल्ला जितनी एक हमारे अंदर जान है मर ही जाएंगे ना, हमें इजाजत दीजिए हम मुकाबला करते हैं। आने फरमाया नहीं, अभी मेरे रब का हुक्म नहीं। फिर मदीना तशरीफ ले गए, मदीना पाक में भी उनको मुसलमान एक आंख न पाए। इधर से जत्था बन के एक निकलता, अगर कहीं मुसलमानों के ऊंट या बकरियां कहीं रेवड़ कोई चर रहा होता, उस चरवाहे को शहीद कर देते और सारा रेवड़ लेकर के मक्के भाग जाते। वो जाके आका की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल्ला अब यहां भी हमें नहीं बैठने दे रहे, अब तो हमें इजाजत दे कि हम इनके साथ मुकाबला करें, कुर्बान जाए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी मेरे रब का हुक्म नहीं आया। तो जब रब का हुक्म आया है तो इस्लाम जंग कर रहा है अल्लाह के हुक्म से। तो इस्लाम पर यह ताना किस लिए जी, कि इस्लाम तो तलवार का दीन है। जालिमों 15 साल गुजर गए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिहाद का नहीं हुक्म आया। कितने नबी वकाई मिन नबीन क़ातल माहु रिब्बियून कसीर, कितने ही अल्लाह वाले और नबी इसरा में शहीद कर दिए गए। 70-70 नबी एक एक दिन में यहूदियों ने शहीद किए। कुरान मजीद गवाही देता है, वयक्तुलूना अल-अंबिया बिगैर हक, वयक्तुलूना अन-नबीयीन बिगैर हक, नबियों को ना हक शहीद करते चले गए। वह हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का क्या नऊज़ बिल्लाह को गुनाह था, हजरत यहया अलैहिस्सलाम का क्या गुनाह था, हजरत जिरजीस अलैहिस्सलाम का क्या गुनाह था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का क्या गुनाह था, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हम ये लफ्ज बोलते भी कांपते हैं, नबी की जात तो मासूम होती है, तो वो तो अल्लाह के हुक्म से बोलता है, उसकी जुबान पे वही इलाही होती है। तो जंगे काफिर फितना ओ गारत गरीस्त, हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, सूफी की बात है, जंग मोमिन और जंग काफिर के अंदर फर्क बयान करते हैं। जंग काफिर फितना ओ गारत गरीस्त, मोमिन अल्लाह के हुक्म पे लड़ता मरता है और काफिर फितना फसाद के लिए लड़ता है। तो खैर, हम जो ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह करीम फरमाते हैं तुम्हारी हालत ऐसी रहनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, बहन भाई रिश्ते माल मकान ये सारी चीजें हों, लेकिन खबरदार कहीं रब रसूल और उसकी राह में माल और जान से कुर्बानी से जिहाद से इन सारी चीजों की मोहब्बत गालिब ना आ जाए। गालिब हमेशा रब रसूल और दीन की मोहब्बत को गालिब रखना, अगर गालिब तुमने ना रखा फिर इंतजार करना अल्लाह के अजाब का, और फिर ऐसी नाफरमान कौम को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अब देखते हैं कि हजूर ये तो कुरान मजीद है, अब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। बड़ी एक सादी मिसाल दे के, चूंकि एक महफिल हमारी ये निजी महफिल है, कोई बड़ा जलसा कॉन्फ्रेंस तो है नहीं, बड़ी प्यार की बातें और बड़ी करीब हो के हम आज ये बातें करेंगे।
अकीदे के हवाले से मैं आपको बड़ी एक पते की बात समझाता हूं। हम आम तौर पे सुनते हैं ये तालीमात नहीं चाहिए, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात दे गए हैं बस उन तालीमात पर अमल करो। ये मोहब्बत मोहब्बत क्या शायद है, ये कुरान मजीद क्या सिखा रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल और दीन की मोहब्बत अगर गालिब ना आई तो तुम्हें अजाब में लपेट दिया जाएगा। तो ये तो हुक्म खुदा है और हुक्म रसूल सुनो, वो क्या हुक्म है। हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं कि रसूल करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और इस हदीस पाक इमाम बुखारी ने एक जगह नहीं दो जगह इस हदीस पाक को बुखारी शरीफ में दर्ज किया। उसकी जिल्द नंबर सफा नंबर हदीस नंबर ये सारा इसमें दर्ज है। इमाम मुस्लिम ने सही में इसी को दर्ज किया है, इमाम तिर्मिज़ी ने भी इसी हदीस पाक को लिया है और इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी इसी हदीस पाक को लिया। क्या अल्फाज हैं कुर्बान जा अन आना से अन रजुलन सअला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस्सा, एक शख्स हाजिर हुआ हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल लगी हुई थी कुर्बान जा, वो शख्स हाजिर हुआ अर्ज करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतस्सा, ये क्यामत कब आएगी, क्यामत कब आएगी। कौन तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमाज़ा आदतलहा, क़यामत का पूछने वाले तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है, क़यामत का पूछने वाले तूने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है। आगे रवायत इमाम अहमद बिन हम्बल ने ली है मा आदतलहा मा आदतलहा मिन कसीर अमलिन वला सलातिन वला सियामिन, और बुखारी के लफ्ज़ ला शैया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कोई तैयारी नहीं की, मैंने कोई तैयारी नहीं की। और जिस इमाम अहमद बिन हम्बल ने रवायत को लिया उसमें है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तैयारी आमाल के हिसाब से कोई नहीं है, ना को लंबे चौड़े आमाल हैं ना लंबे चौड़ी कोई नमाज है ना कोई रोजे हैं, बस है फर्ज की आदत आपके, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं, ना मैंने तैयारी कोई की। एक तैयारी है इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलुल्लाह, और कोई तैयारी नहीं, बस एक ही है मेरे पास अमल कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कर। फ़क़ाल अंत मा मन अहबबता, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तू उसी के साथ होगा जिससे तुझे मोहब्बत। क़ाल अनस हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं फमा फरहना बिशैन फरहना बिकौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतमा अहबबता, ये जो आका ने इरशाद फरमाया ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तू उसी के संग होगा उसी के साथ होगा जिससे तुझे मोहब्बत है, इस जुमले ने सारे सहाबा जितने मजलस में बैठे थे ऐसी मस्ती छाई कि इतनी खुशी हमें कभी नहीं मिली थी जितनी अल्लाह के हबीब के इस जुमले से हमें खुशी मिली। अल्लाह अकबर कौल अनस हज़रत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने फिर अर्ज की अना उहिब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबा बकर व उमर, मैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करता हूँ, उमर फारूक से मोहब्बत करता हूँ। देखो अब इसमें लफ्ज उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, ये बड़ी खास चीज है हदीस पाक में, हालांकि चाहिए पीछे बात है उसका रेलिवेंट इसे ही बनता था ना कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ, सिद्दीक उमर से मोहब्बत करता हूँ।
تو رسول کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے۔ ایک آدمی دعویٰ کرتا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، عین ممکن ہے کہ نبی سے محبت نہ کرتا ہو، لیکن جو دعویٰ کرے میں نبی سے محبت کرتا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ خدا سے محبت نہ کرتا۔ فانا احب النبی و ابا بکر و عمر وارجو ان اکون معہم بحبی یاہم۔ اب مجھے امید ہے اس محبت کے صدقے میں اب اللہ کے حبیب کے ساتھ ہوں گا، صدیق عمر کے ساتھ ہوں گا، گو میرے عمل ان جیسے نہیں ہے، لیکن جو کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کرنے والا انہی کے سنگ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا۔ سبحان اللہ۔ آگے حدیث پاک، یہ ساری اسی موضوع کی حدیثیں ہیں اور یہ ہدایت الامہ میں حضور شیخ علیہ السلام نے یہ ساری حدیث ایک جگہ اکٹھی کی اور ایک دوسرے سے بڑھ کے محبت کی باتیں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اب ہماری بات آ رہی ہے اللہ کے حبیب کے سامنے، تو قیامت ما بعد القیامت کا بھی منظر ہے نا، ہم جیسے گنہگاروں کو بھی تو وہ دیکھ رہے تھے۔ ان ابی ہریرہ، اب اس حدیث پاک کو امام مسلم نے لیا، امام مسلم کے ساتھ امام احمد بن حنبل نے بھی لیا ہے، امام ابن عبد البر نے بھی اس حدیث کو لیا ہے، اور اسی حدیث کو امام دہلوی نے لیا ہے، اسی حدیث کو امام زہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لیا ہے، خطیب بغدادی نے اسے تاریخ بغداد میں درج کیا ہے، امام مناوی نے فیض القدیر میں اس حدیث پاک کو لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ من اشد امتی لی حب الناس یکونو بعدی، میرے ساتھ، اللہ اکبر، ایک لفظ ہوتا ہے شدید، ایک ہوتا ہے اشد۔ گرامر کے لحاظ سے جہاں اشد لفظ آتا ہے اس کا دوسرا معنی ہی محبت کے باب میں عشق بنتا ہے۔ مجھے جی آپ سے شدید محبت ہے، اور اگلا لفظ ہے اشد، شدید تر محبت، اب یہ عشق نہیں تو اور کیا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن ہیں وہی جو رب سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، یعنی عشق کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد میرے کچھ امتی ایسے بھی آئیں گے جو مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کے عشق کریں گے، محبت کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یود احدہم لو رآنی بأہلہی ومالہی، ان میں سے ہر کوئی یہ تمنا کرے گا کاش میری کوئی اولاد، میرا گھر بار، سارا کچھ لوٹ لے جاتا جیتے جی اس دنیا میں، حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زیارت کرا دے، جیتے جاگتے کہیں کوئی اللہ کے حبیب کی مجھے زیارت کرا دیتا، میرا بے شک مال لے جاتا، اولاد لوٹ لے جاتا، میرا سارا کچھ۔ ایسے ایسے لوگ ہوں گے میری امت میں میرے بعد جو مجھ سے اس طرح محبت کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تعالیٰ نصیب کرے، اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ اگلی حدیث سنیں، قربان جائیں، کتنی عظیم عظیم باتیں ہیں۔ امام ابن ماجہ بھی سے لیا ہے، امام احمد بن حنبل نے، امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں، امام شیبانی نے، امام ابن حبان نے، امام بیہقی نے، حدیث پاک یہ ہے کہ یہ تو لیلتن احرس النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادرع سلمی، یہ ایک غلام ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باڈی گارڈ بنا، چوکی دارہ کیا میں نے درے مصطفیٰ کا۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، بدرے مصطفیٰ پہ پڑے رہتے تھے۔ یہ کہتے ہیں فلان شخص جو باڈی گارڈ وہ رکھتا ہے، یہ وہ کرتا ہے، ارے اللہ کے بندو، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آیا مبارکہ واللہ یعصمک من الناس نہیں اتری تھی کہ پیارے اب تیری حفاظت میں نے اپنے ذمہ لے لی ہے، تو کیا پہلے اللہ کے ذمہ نہیں تھی؟ تھی پہلے،
ये आयत नहीं उतरी थी, आयत उतरी तो आपने चेहरा अनवर अपने खैमा मुबारक से बाहर निकल आए कि सफर में थे, सारे बॉडी गार्ड जितने थे उनको फरमाया जाओ अपने अपने खैमों में सो जाओ, अब मेरे रब ने जिम्मेदारी मेरी ले ली। मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहरा दे रहा था, फैजा रजुलन हाय 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 किरातुहु आलियतन, एक शख्स है मस्जिद नबवी पाक में बड़ा ऊंची ऊंची कुरान मजीद पढ़ रहा है, ऊंची आवाज से कुरान हकीम पढ़ रहा है। फकुलतु या रसूल अल्लाह बे अबी अंत व उम्मी, या रसूल अल्लाह अकैदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद पाक में तशरीफ लाए तो वो शख्स बड़ी मस्ती में कुरान मजीद पढ़। अब ये शख्स कौन था इसका भी जरा सुने, नाम इसका था अब्दुल्ला। मदीना पाक से दूर एक बस्ती में ये रहता था, वालिद इसका छोटे होते फौत हो गया, इसका चच्चा था और बकरियां उसने इसको दी हुई थी, ये उसका अपने चच्चा का चरवाहा बना हुआ था, बकरियां चराता था। एक दिन अपने चच्चे से कहने लगा कि मेरे चच्चा यहां से बड़े सारे काफले मैं देखता हूं गुजरते हैं, कहीं जाते हैं तो वापस पलटते हैं, उनसे मुझे खबर मिलती रहती है, मैं जब किसी काफले से पूछता हूं कि आप लोग कहाँ जाते हैं वो यही बताते हैं कि हम यहां से दूर एक मदीनतुर रसूल शहर है उसमें जा करके हम उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत करते हैं और उनका कलमा पढ़ते हैं। अच्छा वो रसूल क्या होता है, फिर वो मुझे वो बातें बताते हैं, फिर मैं उनसे पूछता हूँ वह हैं कैसे, फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मेरा मन अंदर बदलता जा रहा है, मैं तो तेरे इंतजार में हूं कि कब वक्त आए कि तू मुझे कहे बेटा चलो हम भी उसी मदीनतुर रसूल में उस नबी की बारगाह में हाजिर होके हम भी इस्लाम कबूल करते, मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। वो बड़ा सख्त काफिर था, उसने झिड़का, जब उसने झिड़का और कहने लगा खबरदार अगर ऐसी आइंदा बात की तो तेरे तन के कपड़े उतार लूंगा तुझे निकाल दूंगा घर से। हाय हाय पहले इश्क दबा था अब कब तक दब सकता था, अब तो इम्तिहान आ गया, इश्क जाहिर हो गया। अपनी वालदा के पास गया, वालदा से कहने लगा मेरी अम्मी हुजूर मुझे एक सफर दरपेश है, मैं सफर पे जाना चाहता हूं, मैं आपकी खिदमत न कर सका, मुझे आप माफ कर दे, जो तेरी खिदमत है वो मुझसे नहीं हो सकी, मेरा वालिद अल्लाह को प्यारा हो गया तो वो दुनिया से चला गया वक्त से ही, बस मैं आपसे इजाजत मांगती हूं और मेरे वालिद की कोई निशानी मुझे एक दे दे और मैं आपसे इजाजत लेके एक दूर शहर जिसका मैं सुनता हूं कि मदीना नाम है वो शहर में जाना चाहता हूं। तो वालदा खुश नसीब थी, वो अंदर दाखिल हुई, एक चादर अपने खाविंद की यानी इस बच्चे के वालिद की चादर एक लेके आई, चादर थी बहुत बड़ी। फरमाते हैं कि मैंने क्या किया, ये हजरत इनका नाम था अब्दुल्ला, चादर के दो टुकड़े कर लिए, एक टुकड़ा मैंने कमर में बांध लिया, चादर बांध ली, और दूसरा हिस्सा मैंने ऊपर डाल लिया, और जो तन पे कपड़े थे वो उतार के चच्चे के दरवाजे पे गया। ये गैरत इश्क थी, चच्चे को जाके कहने लगा ये आपका आपके कपड़े हैं और ये आपकी सारी बकरियों का हिसाब, वो हाथ में जो डंडा था वो भी उसके घर में फेंका, कपड़े भी फेंके और वहां से रात का वक्त चल पड़ा।
मदीने का रास्ता पूछते पूछाते दिन रात चलते चलते सर्दी का वक्त है, पिछली रात है कि हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मस्जिद नबवी में आ पहुंचा। जब मस्जिद नबवी में आया तब एक परदेसी है, एक कोने पे बैठा है, ना आदाब से वाकिफ ना हालात की कोई खबर, अजनबियों की तरह एक कोने में चुप करके बैठा है। सहाबा चंद जो तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं बस उन्हें देख लेता और बैठा हो। हुज़ूर आकायदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद अपने घर में अदा फरमाया करते थे हुजरे मुबारक में, सुबह की अजान हुई, आकायदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए जब तशरीफ लाए आपने एक नजर इधर देखा तो वो जवान कोने में बैठा हुआ है। आका की नजर पड़ी, फरमाया या जल बजा दे, ए दो चादरों वाले आ गए वो। आका ने उसका नाम ही दो चादरों वाला रख दिया। आका मैं हाजिर हूं। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तसल्ली और प्यार दिया, फरमाया तूने तो बड़े दुख काटे हैं मेरी मोहब्बत में। हाँ या रसूल अल्लाह, बड़ा दुखी हूं। आपने शफकत का हाथ रखा, फरमाया अब तेरे दुख अल्लाह ने काट दिए। वो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ही रहता और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद हिफ्ज करना शुरू कर दिया। इतना खुश नसीब इंसान कि जिसके उस्ताद सारी कायनातों के मुअल्लिम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वो कुरान मजीद पढ़ रहा है बड़ी ऊंची ऊंची। ये जो हारिस था, ये पहरेदार था, हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जवान को आप देख रहे हैं, क्या ये रियाकारी नहीं कर रहा, इतनी ऊंची कुरान मजीद पढ़ रहा है। हाजा मुराइन, फकुल तो या रसूल अल्लाह बे अभी अंत व उम्मी, मेरे आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, ये जो नौजवान बैठा ऊंची ऊंची कुरान मजीद पढ़ रहा है, मुराइन हाजा, क्या ये रियाकार है, दिखावा कर रहा है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुर्बान जाए, अब किसी के दिल की हालत को अंदर की हालत को क्या जाने ये किस नीयत से ये पढ़ रहा है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया माज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, आज़ा अब्दुल्लाह, ये तो मेरा आशिक गुलाम अब्दुल्लाह है, ज़ुल बजादैन, ये दो चादरों वाला अब्दुल्लाह है, ये मेरा गुलाम है, ये दिखावा नहीं कर रहा। फमात बिल मदीना, आगे सुने एक वक्त आया थोड़े ही दिनों बाद, अब उसकी मौत की तैयारी हो गई। तो वो परदेसी अल्लाह को प्यारा हो रहा है, मरने का वक्त आ गया, और कैसे जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने सहाबा किराम से फरमाया कि मेरे इस गुलाम को बड़े नरमी से इसके साथ पेश आओ। जमाल साहब आके खोल के जरा बैठे जी, बड़ी दर्द भरी कहानी है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाए, आप इतनी शफकत उसके ऊपर फरमा रहे हैं कि इसके ऊपर जरा नरमी करो, क्योंकि अल्लाह करीम इससे नरमी करने वाला है, तुम भी नरमी करो इसके साथ, मेरे गुलाम के साथ।
इसलिए कि ये अल्लाह और उसके रसूल से मुहब्बत करता है, इसलिए सिख साथ नरमी करो, अल्लाह भी इससे नरमी करने वाला है। उन्होंने उसको गुस्ल दिया, कफन पहनाया, तब लेके कब्रिस्तान को चले, कब्र खोदने लगे तो खोदी जा रही है कब्र, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औसा अल्लाहु अलैह औसिउ लहू, इसकी कब्र जरा कुशादा करके बनाओ, बड़ी कब्र बनाओ, क्योंकि अल्लाह भी इसके ऊपर कुशादगी करने लगा है, रब इसके ऊपर वसत कर रहा है, तुम भी इसकी कब्र को वसी बनाओ। कब्र वसी बना दी गई, दफन कर दिया गया। तो सहाबा किराम में से बाद ने किसी ने यह अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकद हजिन ताले, आका मालूम होता है कि आपके साथ का बड़ा गम है, आप बड़े दुखी नजर आ रहे हैं इस अपने गुलाम पर। आपने फरमाया अजल हाँ, मैं बड़ा दुखी हूं इसलिए कि उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, ये अल्लाह और उसके रसूल से मुहब्बत करने वाला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह हाँ मैं दुखी हूँ इस पर, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत ये करता था, इसलिए इस पर मैं दुखी। इसी तरह मेरे दोस्तों, किस किस वाक्य को लें किस को ना लें, हजरत आयशा सिद्दीका बिनती सिद्दीक अगला वाक्य बयान फरमाती है, हदीस पाक के रावी हैं, एक शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, रो रो के अर्ज कर रहा है या रसूल अल्लाह, इन्नक ला उहिब्बु इलैया बिन नफ्सी, आप मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, व इन्नक ला उहिब्बु इलैया मिन अहली, मुझे अपनी अहलो अयाल से भी आप ज्यादा प्यारे हैं, व हुब्बु व उहिब्बु इलैया मिन वलदी, मुझे अपनी औलाद से भी आप ज्यादा प्यारे हैं या रसूल अल्लाह, व इन्नी लाकून फिल बैत फज़कुरका फमा असबिरु हत्ता आतियका फंज़ुर इलैक, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब अपने घर होता हूँ वह भी मुझे चैन नहीं आता, आपके हिजर में रोता रहता हूँ, मुझे सबर नहीं आता जब तक कि आके आपको देख न लूं। लेकिन एक बात मुझे परेशान किए हुए है, वैसा जिक्र तो मौत ही मौत, जब मुझे अपनी मौत याद आती है और आपका विसाल याद आता है, आप तो होंगे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के दर्जों में ऊंचे दर्जे जन्नत में, और मैं जन्नत में दाखिल भी हो गया तो मैं खुदा जाने कहां पड़ा हूंगा, मुझे दिन रात ये गम खाए जा रहा है कि मेरे साथ बनेगा क्या, अब तो मैं आपकी ज़ियारत के बगैर रह नहीं सकता हूं, मुझे घर में भी ये जरा आपका सताता है, फौरन आके आपकी बारगाह में हाजिरी देता हूँ, आपको देखता हूँ तो मुझे सुकून मिल जाता है और मेरे दिल की ढारस बन जाती है, लेकिन कल क़यामत को क्या बनेगा। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात जब सुनी खामोश हो गए। इतने में जिब्रील अभी अल्लाह करीम का पैगाम लेके आ गए और ये आया मुबारक, वमन युति इल्लाह वर रसूल फौलाइका मअल्लजीन अनअम अल्लाह अलैहिम मिनन नबियीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसन उलाइका रफीका, वह जो अल्लाह की इताअत करता है, रसूल की फरमाबरदारी करता है, वो उन लोगों के संग होगा क्यामत के दिन जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किए हैं। वो कौन होंगे? वो
نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین نیکوکار اللہ والوں کی جماعت ہے، اور کتنے ہی اچھے یہ رفیق ہیں۔ ارے دوست ہونے تو ایسے دوست ہونے چاہیے، دوستی کرنی ہے تو ایسوں سے دوستی کرو، کس سے دوستی کرتے پھرتے ہو؟ دوستی کرنی ہے تو یہ جماعت ہے، یہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، الہی ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیے ہیں۔ یہ مت کہو کہ ہمیں قرآن کے راستے پہ چلا، بالکل وہ حق ہے، لیکن رب نے نہیں فرمایا، رب فرماتا مجھ سے راستہ مانگنا ہے، مجھ سے کوئی چیز مانگنی تو یہ مانگ، الہی جن پر تیرا انعام ہوا ہے ان کے راستے پہ چلا، مجھے ان کے راستے پہ چلا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، اس کو فرمایا مبارک ہو، یہ آیا مبارکہ تیرے جیسے عاشقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ امام طبرانی نے، امام ابو نعیم نے، سب نے اسے درج کیا، بالکل اب آخر میں ہم آ گئے۔ وہ یہ ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عاشقین کے سرداروں میں سے سردار ہو گزرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر مبارک جہاں آپ تشریف فرما ہوتے، وہاں یوں ہاتھ مس کر کے تو چومتے اور اپنی آنکھوں پر مار دیتے۔ آج آپ کریں تو یہ تو بدعت ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہی تو میرا رونا رہا ہے پورا رمضان شریف کہ یہاں آپ کے عقیدے تباہ و برباد کر دیے گئے، اور ابھی اپنے بھائی اسماعیل کے گھر میں بھی یہی میں پیغام دے رہا تھا کہ ہر طرف سے ہمارے اس سچے سچے عشق و محبت والے عقیدے پہ یلغار ہے، ہر طرف سے دشمن مکار بھی ہے، اس کے پاس وسائل بھی ہیں، اور ہر طرف وہ تباہی کیا جا رہا ہے ہماری اولادوں کے عقیدے کی، اور ہم ایک ہم آپس میں بٹتے جا رہے ہیں، ان کی یلغار کو کس طرح ہم روکیں گے؟ اکٹھے ہو کے روکیں گے یا الگ الگ ہو کے ہم روکیں گے؟ اکٹھے ہو کے روک سکتے ہیں، ورنہ سب یہ ان کی لپیٹ میں گلی نسلیں سب ادھر دوڑی جا رہی ہیں اور دوڑی جائیں گی۔ تو لہذا ایک پلیٹ فارم جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہو، یہ ندی نالے سے نہیں، ادھر سے پورا سمندر اور فلڈ آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے بدعقیدگی کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے آگے ایسے چھوٹی سی کوئی نالی بنا دیں یا یہ سامنے رکھ دیں بھی وہ فلڈ رک جائے گا، گلاس رکھ دے رک جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے اتنا بڑا ویژن والا انسان چاہیے، اتنا بڑا مشن چاہیے آپ کو، اتنی بڑی قیادت آپ کو چاہیے انٹرنیشنل سطح پہ۔ میں آپ کو سارا جہان اب 6 بر اعظم میں پھیر چکا ہوں، کسی اور سے ان کو خطرہ نہیں ہے ہمارے میں سے، ان کو خطرہ ایک ڈاکٹر طاہر القادری سے ہے کہ جو ویژن اس کا ہے، اور جس طرح اس نے امن کے اوپر، آپ نے سنا نصاب امن جو آپ نے 1000 صفحے کا، 600 صفحے کا دہشت گردی کے خلاف انہوں نے فتویٰ جاری کیا، ہے کوئی مائیکل آل اربو اجم کے اندر جس نے اتنا بڑا ویژن دیا ہو اور اتنا بڑا مقابلہ ڈٹ کے ان کا کر رہا ہو؟ ان کا سب سے بڑا دشمن یہ آدمی ہے، یہ شخصیت ہے۔ تو لہذا ہم اس کے بغیر آگے چل نہیں سکے، ورنہ بٹ جائیں گے، ٹوٹ پوٹ ختم ہو جائے گا سلسلہ سارا۔ مت کسی کی باتوں پہ جائیں، آپ کو میری نصیحت ہے کہ آپ جڑ کے رہیں، یہی عقیدہ جو آپ نعتے پڑھ رہے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ بھی کوئی نہیں پڑھنے دے گا۔ اس بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اینڈ پہ آتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح محفل ہے، پاؤں ایک سن ہو گیا،
जैसे उसमें हरकत नहीं रहती, सुन्न हो जाता है, यानी वो जो गर्दश करता है खून, वो बैठे बैठे वो रुक जाता है कहीं, तो वो पांव से सुन सा हो गया। हाँ जी, तो वो जब सुन हो गया तो हजरत तो एक आदमी ने कहा कि हुजूर आपको दुनिया में जो सबसे ज्यादा महबूब है ना, उसका नाम ले आपके ये उसी वक्त पांव ठीक हो जाएगा। आपने फौरन पुकारा, या मुहम्मदा हो, या मुहम्मदा हो। ये बुखारी, इमाम बुखारी ने अदबुल मुफरद में लिखा है, यार बुखारी बुखारी करने वालों, ये नारा रिसालत या मुहम्मद ये कौन पुकार रहा है? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर और अक्का के विसाल के बाद की बात है। या मुहम्मदा हो, ये भी अल्फाज हैं, और खाली या मुहम्मदो, ये दोनों हदीसें यहां मौजूद है। या मुहम्मदा हो और या मुहम्मद। और इनके एक शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों में से ये ताबीर बैत कर रहे हैं, उनका नाम है कासिम इब्ने मुहम्मद। अगर ये वो मुहम्मद कासिम है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार सिद्दीक अकबर के पोते जाके पड़पोते बनते, अगर वो हैं तो ये फिर उनका नाम है। और इसको लिया किसने? इस हदीस पाक इमाम बुखारी ने अदबुल मुफरद में लिया। तबकात इब्ने साद में भी है, इब्ने साद ने भी इस हदीस को लिया है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक सहाबी की बिनाई जाती रही, बिनाई जाती रही, लोग उनके पास आए ताजियत करने के लिए, बीमार कुर्सी के लिए, इयादत के लिए आए। तो आपने फरमाया, अफसोस किस बात का करते हो, ये तो आंखें थी ही दीदार मुस्तफा के लिए, वो जब दुनिया में ना रहे तो मैंने आंखों को करना क्या, मेरी आंखें तो फकत थी ही दीदार मुस्तफा के लिए, अगर मेरी आंखें चली गई तो मुझे इसका कोई गम नहीं है, मुझे इसका कोई गम नहीं है। अब मुझे अगर हिरन की आंखें भी मिल जाए तो मैं वो भी कबूल ना करूं, हिरन की आंखें क्या, मैं वो भी कबूल ना करूं। हजूर सैदना उम्र फारूक रजी अल्लाह तु हमेशा ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मर्ज़ुकनी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बल्द रसूलिक। ए मेरे मौला करीम, उमर तुझसे दुआ करता है कि मेरी मौत आए तो शहादत की मौत आए और मैं मरूं तो मदीना में मरूं। अल्लाह ताला ने दोनों बातें कबूल कर ली। आप नमाज की हालत में मस्जिद नबवी पाक में, आप पर अबू लोलू गुलाम जो था उसने खंजर जो जहर में बुझा हुआ था उससे हमला किया और आपकी उस शहर मदीना में शहादत हुई। हा हा, आगे सुने और मेरे अल्लाह क्या क्या आशिकों के किस्से तस्करे। अब्दा एक खातून है, बिन्त खालिद बिन मैदान मादान, ये खालिद की बेटी हैं, मादान की पोती। ये फरमाती हैं कि मेरे जो वालिद थे ना खालिद, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, मैं बच्ची थी, मैं अपने वालिद को देखती जब सोने का वक्त इशा का वक्त होता तो इश्क की बद जाती, बिस्तरे पे पड़े रोते रहते थे, इश्क रसूल में मिन शौक ही इला रसूलिल्लाह व इला असहाबिही मिन अल मुहाजिरीन वल अंसार। मैं सुनती हिचकी बंद जाती हिजरे रसूल में रोते रोते, फिर सहाबा किराम का नाम लेते, ओ मेरे यार सिद्दीक तू भी छोड़ गया, अल्लाह का हबीब भी अलविदा हो गया, तू भी अलविदा हो गया, ओ मेरे माज़ बिन जबल, ओ मेरे यार, ओ मेरे जवान, तू भी छोड़ के दुनिया से चला गया, ओ मेरे उम्र फारूक जिससे दुश्मन थर्रा जाता था तू भी दुनिया से चला गया। एक एक का नाम ले लेके रात को उनके हिजर फिराक में रोते रोते कहीं जाके आंख लगती मेरे वालिद की।
یہ حضرت عبدہ بیان کرتی، اس کو بیان کیا ہے امام دارمی، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، امام زہبی نے سیر العالم نبلاء میں، اور اسے امام مزی نے تہذیب الکمال میں۔ یہ بڑے بڑے آئمہ ہو گزرے ہیں اسماء الرجال کے، جن کے صدقے ہم تک یہ حدیثیں پہنچی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ امام ابن اساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں، امام بہکی نے دلائل النبوہ میں، یہ ایسی ایسی حدیثیں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، حضرت عمر بن محمد اپنے باپ سے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ حالت ہو گئی وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجر رسول میں، حضرت عبداللہ ابن عمر کی رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک سفر میں ایک جگہ جا کر کے اترے اپنی سواری سے اور مہار پکڑ لی اس اونٹنی کی، اور ایک جگہ اس طرح کر کو گھمانے لگ گئے، چکر لگا دیا۔ کسی نے پوچھا، سور آپ کیا ہوا، یہاں اترے ہیں اور اس اونٹنی کی مہار پکڑ کر کے آپ یہاں چکر لگا رہے ہیں اونٹنی کے ساتھ؟ انہوں نے کہا، مجھے اور تو کوئی خبر نہیں، میں نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ ایسے کرتا دیکھا تھا، بس یار کی اس یاری کو یاد کر کے وہ یاری نبھا رہا، سنت ادا کر رہا۔ یہ ہے عمر فاروق کے صاحبزادی حضرت عبداللہ، ما سمعت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یذکر النبی قط الا بکا، جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی زبان پہ آ جاتا، آنسو جاری ہو جاتا۔ یہ حالت صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر و فراق میں رونے کی، جب بھی نام لیتے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو آپ کی آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی، رونے لگ جاتے۔ یہ شوق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، اور یہ آپ کی حالت، اور آخر میں حدیث عاشقوں کے امام حضرت بلال۔ سبحان اللہ، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، جب آپ کی سواریاں یہ ہجر فراق میں سہ نہ سکیں، جس سواری پہ آقا سوار ہوتے وہ بھی مدینہ کی گلیوں میں آقا کو تلاش کرتی پھرتی ہے، کبھی اس گلی دوڑ جاتی ہے سواری، کبھی اس گلی کہ شاید میرے کریم اس طرف سے ہو، میرے محبوب اس گلی میں ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں کی یہ حالت تھی، پھر اس سواری نے اپنے آپ کو ایک کنویں میں گرا دیا اور وہیں فوت ہو گئی۔ تو وہاں پھر ان عاشقوں کے اوپر کیا بیتی ہو گئی، کیا بیتی ہوگی عاشقوں کے، عمر فاروق جیسے بھی اپنا جو ہوش تھا وہ بھی اپنی جگہ قائم نہ رہا، فرمانے لگے جو بھی کہے گا کہ آقا وصال کر کے میں اس کا سر اتار دوں گا، یعنی سمجھ ہی نہ رہی۔ حضرت صدیق اکبر نے پھر بڑے پیار سے سنبھالا حضرت عمر فاروق جیسے جری جوان کو، بڑی مشکل سے سنبھالے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ہجر یار میں یہ حالت ہوئی، حضرت بلال کی حالت پھر کون کیا جانے، سہ نہ سکے۔ مسجد نبوی پاک میں جب آقا ادھر دوڑے ادھر دوڑے ادھر دیکھیں کہیں نظر نہ آئے، بالآخر آقا کی قبر انور پہ آ کر کے گر جاتے اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ یہ روز کا ہجر و فراق برداشت نہ کرتے آخر مدینہ سے نکل گئے، جا کے حلب آباد ہوئے، حمص میں، اور پھر دمشق میں آپ کا وصال ہے، اور مزار مقدس آج بھی دمشق میں آپ کا مزار مقدس ہے باب الصغیر میں۔ حضرت بلال 6 مہینے بیت گئے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا بلال میرا مدینہ چھوڑ گئے اور ملنے کو جی نہیں کرتا، بس آنکھ کھلی اور دیوانہ وار وہاں سے پھر دوڑ پڑے۔
रोते रोते रास्ता सारा सफर तय किया। आका को बच्चे मदीना के मिलते तो उनको पकड़ के पूछते, कहीं मेरा महबूब देखा है आपने, कहीं मेरा महबूब आपने देखा। यानी ये हालत दीवानगी की तारी है। बड़ी मुश्किल से संभाले गए ये हजरत आशिक बिलाल। जब इनके विसाल की घड़ी आई, अपनी बीवी से कहने लगे, और बड़े खुश हैं कि आज मेरा अल्लाह के हबीब से विसाल होगा, आज मैं सिद्दीक को मिलूंगा। इस तरह करके वो याद कर करके रो रहे, बल्कि खुशी मना रहे हैं। बीवी आपकी रोने लग गई, फरमाने लगे, ऐ मोहतरमा, ये रोने का वक्त नहीं, खुशी मनाने का वक्त है। हिजर की घड़ियां कट गईं, फिराक के दिन बीत गए। अभी बस थोड़ी देर, कबीर जंगलों के बाद मैं अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने वाला हूँ। ये तो खुशी का वक्त है, ये गमी का नहीं है। अपनी बीवी को तसल्ली दे रहे हैं। अल्लाह ताला हमें ये ईमान नसीब करे। ये है ईमान, ये है ईमान की जान, ये है ईमान की रूह। ये है तो आपका सब कुछ है, ये नहीं है दिन रात सजदे में पड़े रहो, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में एक बात कही थी, अगर हम खुदा न खास्ता, मैं आपको मिसाल देता हूं, बिलफर्ज एक आदमी अमल नहीं कर पा रहा, लेकिन नादिम है, उस पर दिल के अंदर निदामत है भी यार मुझे वो अमल नहीं हो पा रहे है जिस तरह मुझे करने चाहिए, अमल नहीं हो पा रहे, अमल नहीं हो पा रहे है। और दूसरी तरफ मोहब्बत रसूल उसके अंदर है, तो इन दो चीजों में बराबरी अगर नहीं है, अमल कम है, मोहब्बत अपनी जगह कायम है, तो उस ईमान के दरख्त की जड़ मौजूद है, क्योंकि उसको मोहब्बत का पानी मिल रहा है। पानी मिल रहे जड़ को तो दरख्त सरसब्ज़ और शादाब रहता है। अगर आमाल के ऊपर बेल बूटे फूल फल ना भी लगे, उन पे हर्फ आ जाए, यानी उनके ऊपर बहार ना भी रहे, जड़ चूंकि मजबूत है अपनी जगह, पानी मोहब्बत रसूल का मिल रहा है, ईमान का दरख्त आज नहीं तो कल को फिर तरोताजा हो सकता है। और अगर जड़ कट जाए, पानी ना मिले उसको मोहब्बत रसूल का, वो आपका दरख्त खुश्क हो जाएगा, चाहे जैसा भी हो। अमाल ऊपर के कई कितने तेरे रहेंगे जी, जब उसको पानी नहीं मिल रहा, वो अमाल तेरे किस काम के होंगे जी, वो तो खुश्क हो जाएगा सब कुछ। तो लिहाजा असल क्या है, मोहब्बत रसूल, ये है ईमान की जान। ये है तो सब कुछ आपका है, बच गया सब कुछ आपका, ये ना रहा तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए हम सबसे ज्यादा जोर ही मोहब्बत रसूल पे देते हैं, अल्लाह के हबीब की मोहब्बत ईमान की जान है। ईमान की जान है, ये अल्लाह ताला हमारे नसीब में रखे। आमीन। इश्क पर ईमान की बुनियाद रख, अल्लामा इकबाल भी यही कहते हैं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। तो इसी से ये जितना मजबूत होगा उतना परिंदा परवाज खूबसूरत करेगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, अमल साले से नवाजे, मोहब्बत से नवाजे। अब दुआ करते हैं, दुआ के बाद फिर कोई है भी आपने को बात है।